गाइस, क्या आपने इन सारे वर्ड्स के बारे में सुना है? ब्रॉयगर्स, पसल, स्पैक, होक्स, मोनोमेनिया, सॉन्डर, कॉन्वर्सेट, फ्रॉड्यूलेंट, स्कोश, फेवनियन, सप्लिकेट। तो यस गाइस, आज के उस वीडियो में मैं इसी तरह के मोर देन 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ अपने रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला एक वर्ड है ब्रॉयगर्स। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर, या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, या फिर किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, उसके अंदर नाराज़गी भरी हुई है। आई वॉज फीलिंग प्रीटी ब्रॉयगर्स आफ्टर आई गॉट इन टू ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक में फंसने के बाद मेरे को मतलब थोड़ी चिड़चिड़े जैसी फीलिंग आ रही थी, या फिर जैसे चिड़चिड़ा हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी, वैसा महसूस हो रहा था मेरे को। नेक्स्ट एक वर्ड है फ्रॉड्यूलेंट। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बेईमान है, या फिर अगर कोई पर्सन काम करता है वो अवैध काम करता है, मतलब किसी को धोखा देने के लिए काम किया गया है तो वो एक फ्रॉड्यूलेंट काम है। तो जैसे एग्जांपल है, शी चेक्स हर क्रेडिट रिपोर्ट डेली फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। मतलब वो अपनी जो भी क्रेडिट्स की रिपोर्ट हैं, जो भी उसने ट्रांसफ़र किए हैं, उन सारी रिपोर्ट्स वो रोज़ देखती है ताकि उसके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो जाए, या फिर कोई बेईमानी भरी या फिर अवैध काम ना हो जाए। इस एक्टिविटी के लिए वो अपने क्रेडिट्स को रोज़ चेक करती है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है पैसल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ अपलोडिंग पैसल ऑफ फ़ोटोज़ ऑन स्टेटस। मतलब स्टेटस पर वो बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड करती है, तो इस चीज़ की उसे आदत लगी हुई है, या फिर वो ऐसी आदत में है कि बहुत सारी फ़ोटोज़ को अपने स्टेटस पर अपलोड करने के। स्पैक एक नाउन है, मतलब कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी सी है, बिल्कुल बिंदु बोल सकते हो, या फिर छोटा सा कण बोल सकते हो किसी चीज़ का। तो जैसे एग्जांपल है, वाइल क्लीनिंग द हाउस शी डजंट लीव इवन अ स्पैक ऑफ डस्ट। मतलब वो एक धूल का छोटा सा भी कण नहीं छोड़ती है, घर को क्लीन करते समय, घर को सफाई करते समय वो धूल का एक छोटा सा भी कण नहीं छोड़ती है, या फिर हल्का सा भी बिंदु नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट एक वर्ड है कॉन्वर्सेट। ये एक वर्ब है, मतलब किसी से बातचीत करना, या फिर किसी की बातचीत में घुसना ऐसा बोल सकते हो, या फिर किसी की बातचीत पहले से चल रही है उसकी बातचीत के बीच में शामिल होना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम्स इट्स नाइस टू सिट विद हर एंड कॉन्वर्सेट। मतलब कभी कभी उसके साथ बैठना और कॉन्वर्सेशन करना, उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है। मोनोमेनिया एक नाउन है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसमें कोई भी पर्सन किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, या फिर एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो कि किसी पर्सन को कोई मेंटल बीमारी है, तो उस बीमारी की वजह से वो पर्सन किसी एक चीज़ में डूबे रहता है, तो वो बीमारी डूबे रहने का कारण है उसका, तो उस बीमारी को मोनोमेनिया बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्किंग डे एंड नाइट द अकाउंटेंट सफर्ड फ्रॉम मोनोमेनिया एंड वॉज एक्सट्रीम प्री ऑक्यूपाइड विद हिज जॉब। मतलब मेंटल बीमारी की वजह से कोई एक इंसान है जो अकाउंटेंट है, वो उससे ग्रसित है, तो वो दिन रात काम करता है, तो इसकी वजह से वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो उसे एक मेंटल बीमारी हो गई है, तो मेंटल बीमारी की वजह से वो इधर उधर ध्यान नहीं लगा पाता है। अगले वर्ड है हमारा ब्लर्ड। ये एक नाउन है, मतलब कोई पर्सन है जो कि मूर्ख है, बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम के लायक नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब वेयर देयर आर नॉट एनी ब्लर्ड्स। मतलब मैं एक ऐसी नई जॉब को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर कोई भी मूर्ख इंसान नहीं है, या फिर जहाँ पर कोई भी मूर्ख इंसान मेरे को नहीं मिलेंगे, सारे के सारे काम करने वाले बंदे मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल बंदे मिलेंगे वहाँ पर। सप्लिकेट एक वर्ब है, मतलब किसी से प्रार्थना करना, या फिर किसी से विनती करना किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी पर्सन के लिए। फर्स्टली शी सप्लिकेटेड हर मदर एंड देन लेफ्ट। मतलब पहले उसने अपनी मम्मी से प्रार्थना की और वो चली गई, फिर सबसे पहले विनती की, फिर उसके बाद वो चली गई। किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, कहीं बाहर जाने के लिए हो सकती है, या फिर किसी चीज़ के लिए हो सकती है, या फिर कुछ लेने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए हो सकती है। फेवनियन एक एडजेक्टिव है, मतलब जैसे शांत या फिर हल्की हल्की हवा बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा माइल्ड हवा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है हल्की हल्की हवा, ठंडी ठंडी हवा, तो उस हवा को फेवनियन बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई गेस्ट रिलैक्स्ड ऑन द सोफा वॉचिंग द सनसेट एंड एंजॉइंग फेवनियन ब्रिज। मतलब जो मेरे मेहमान आए थे वो सोफा पर बैठकर बहुत ज़्यादा
मजे कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे और सनसेट को देखते हुए वो हल्की हल्की हवा का मजा कर रहे थे, हल्की हल्की हवा को एंजॉय कर रहे थे, उसको फील कर रहे थे। स्कोश एक नाउन है, मतलब छोटी सी मात्रा हो सकती है किसी चीज़ की, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हो, किसी का पार्ट बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, ही एडेड अ स्कोश ऑफ विनेगर टू मेक द रेसिपी टेस्टी, मतलब जो कुछ भी वो बना रही थी उसकी रेसिपी टेस्टी नहीं लग रही थी उसे, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा विनेगर की उसने डाली। नेक्स्ट एक वर्ड है टैम्प्ट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ गलत चीज़ करने के लिए प्रेरित करना, उसको बढ़ावा देना ताकि वो गलत चीज़ और करता रहे। तो जैसे एग्जांपल है, हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मिलियनेयर हैड टेम्प्टेड हिम इनटू अ लाइफ ऑफ क्राइम, मतलब उसका सपना था मिलियनेयर बनने का, करोड़पति बनने का, उस सपने ने उसे मजबूर कर दिया एक ऐसी ज़िंदगी जीने में जो कि क्राइम से भरी हुई है, अपराध से भरी हुई है, या फिर उसको गलत काम करने के लिए उसने प्रेरित कर दिया उसे उसके सपने ने, क्योंकि वो करोड़पति बनना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएं, तो उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट एक वर्ड है होक्स, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है छल या कपट बोल सकते हो, मतलब कुछ जो सही है उसको गलत दिखाने के लिए कोई काम किया जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कोई छल किया जाता है, या फिर कोई कपट किया जाता है। It's thought that the hoax may have begun as a joke, but it got out of control. मतलब ऐसा लग रहा था या फिर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो भी धोखा था वो मजाक के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन ये काबू से बाहर हो गया, अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब वो हद से ज़्यादा ही हाथ से निकल गया। अगला वर्ड है फ्रैंकनेस, ये एक नाउन है, स्पष्टता बोल सकते हो, किसी की ईमानदारी बोल सकते हो, उस ईमानदारी की वजह से अच्छा काम करने की प्रेरणा बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, आई डोंट नो यू, इवन आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई स्पोक टू हिम इन अ फ्रैंकनेस ऑफ माय हार्ट, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, मैंने ऐसा उसके मुंह पे ही कह दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया, या फिर ईमानदारी से ही कह दिया, जो मेरे दिल से आवाज़ निकली थी मैंने वो सारी की सारी उसके सामने रख दी। तो ये स्पष्टवादी बोल सकते हो, ईमानदारी से जो भी शब्द निकाले गए हैं ठीक उसी के मुँह पर, तो उस चीज़ को इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। एम्प्लॉर ये एक वर्ब है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो, और बहुत ज़्यादा किसी से आप सिंसियर तरीके से विनती करते हो, तो उस विनती करने को, प्रार्थना करने को आप इम्प्लोर बोल सकते हो, कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए किसी से याचना करना, या फिर किसी से विनती करना। तो जैसे एग्जांपल है, शी इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू लीव हर अलोन, मतलब उसने, उस लड़की ने उस लड़के से इम्प्लोर किया या फिर विनती की, किस लिए, कि उस लड़की को अकेला ना छोड़ने के लिए, या फिर वो अकेला छोड़कर कहीं जा रहा था, तो उस लड़की ने उससे, उस लड़के से विनती की कि उसको अकेला ना छोड़े वो। फ्रॉलिक ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी से या फिर बहुत ज़्यादा आनंद से खेल कूद करना, इधर उधर उछलते हुए कुछ ना कुछ करते रहना, चिल्लाना, शोरगुल करना, मज़े करना। मतलब All of the children were frolicking on the beach, मतलब बच्चों को बीच पर ले जाया गया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उसी खुशी की वजह से वो इधर उधर खेल कूद कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे, इधर उधर मज़े कर रहे थे, भाग रहे थे। Nebulous ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अस्पष्ट कोई चीज़ है, सही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी धुंधली है या फिर साफ साफ दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। He has few nebulous ideas about his futures, मतलब अपने फ्यूचर को लेकर उसके पास ऐसी भावनाएं हैं या फिर ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे विचार हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है या फिर धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं कर रखा उसने कि भविष्य में वो क्या कर रहा होगा। सार्डनिक ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने वाला कोई इंसान हो सकता है, मतलब वो समझता है कि मैं ही हूँ और मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सबसे बेस्ट करता हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। दूसरों के लिए आदर का भाव ना रखने वाला कोई इंसान वो सार्डनिक होगा। तो जैसे एग्जांपल है, देर वॉज अ सार्डनिक एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, मतलब जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि वो अपने आप को कुछ समझ रही थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर समझ रही थी, तो उसके चेहरे पर मैंने ऐसा भाव देखा। नेक्स्ट एक वर्ड है जकोस, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मजाकिया है, बहुत ज़्यादा चंचल है, मतलब मजाक करता रहता है इधर उधर,
और अगर किसी से मिलता भी तो हंसी वाले माहौल के साथ मिलता है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद भास्कर बिकॉज ऑफ हिज जकूज बिहेवियर। मतलब भास्कर के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को पसंद है क्योंकि उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा मजाकिया है, तो उसी मजाकिया व्यवहार की वजह से या फिर उसी चंचल व्यवहार की वजह से मुझे भास्कर के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक वर्ड है पिटिएबल, एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा दयनीय है, दया का पात्र है, जिस पर दया की जा सकती है, ऐसा कोई पर्सन है, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है, या फिर कोई मतलब सिचुएशन हो सकती है। जैसे दैट डॉग वॉज इन अ पिटिएबल स्टेट, मतलब जो वो कुत्ता था वो एक ऐसी स्थिति में था उस टाइम पर उस पर बहुत ज़्यादा दया की जा सकती थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, आपके सामने होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि इन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना आप, और कमेंट में 721 मेरे को टाइप करके बता देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।